हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्योपनर। आपने OTG के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जो स्मार्टफोन में यूज़ होता है। तो एक OTG को आप बहुत सारे कामों में लगा सकते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ, अगर आपके स्मार्टफोन OTG सपोर्ट करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ दिखाने वाला हूँ कि एक OTG की मदद से आप क्या कुछ कर सकते हैं एक स्मार्टफोन में OTG का हेल्प लेकर। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जो OTG सपोर्ट करता हो। उसके बाद आपको एक OTG बाय करना है अगर आपके पास नहीं है। अगर आपका स्मार्टफोन MicroSD वाला पोर्ट है तो आपको MicroSD वाला पोर्ट के साथ OTG लेना है। अगर टाइप सी पोर्ट वाला है तो आपको टाइप सी पोर्ट का OTG लेना है। तो सिंपली OTG लेने के बाद आपको इधर लगा देना है। एक बार OTG लगा देने के बाद आप उसमें क्या कुछ कर पाएंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे कि आप MicroSD कार्ड रीडर में लगा के यूज़ कर पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं कार्ड रीडर। जी हाँ, ठीक वैसे ही आप यूज़ कर पाएंगे। आप फाइल्स, फोटोज, वीडियोज़ जो भी है आप एक्सेस कर पाएंगे, डायरेक्ट डिलीट कर पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको इस तरह का कार्ड रीडर खरीदना है, ठीक वैसा नहीं है। आप चाहे तो पुराना जो है कार्ड रीडर भी यूज़ कर पाएंगे, अगर वो वर्क कंडीशन में है तो वो भी काम करेगा। सिर्फ कार्ड रीडर ही नहीं, अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो आप पेन ड्राइव को भी यूज़ कर पाएंगे। जी हाँ, आप पेन ड्राइव को भी एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल मेरे पेन ड्राइव में अभी कुछ नहीं है, तो आप पेन ड्राइव को भी यूज़ कर पाएंगे OTG की मदद से। अगर आपके पास एक डोंगल है, जी हाँ वाईफाई डोंगल है, जो एक्चुअली हम पहले यूज़ करते थे, तो ये मेरा 3G वाला है, तो इसको भी आप इधर यूज़ कर पाएंगे अगर आपका स्मार्टफोन यूज़ करता है, मतलब सपोर्ट करता है। तो जैसे कि मैं आपको डायरेक्ट दिखाना देना चाहूँगा, तो आपको पूरा विश्वास हो कि ये डोंगल से आप इंटरनेट को भी यूज़ कर पाएंगे OTG की मदद से अपने स्मार्टफोन में। तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो जैसे कि अभी फिलहाल मैं अपना सिम कार्ड निकाल देना चाहूँगा, तो मैं इस डोंगल में सिम कार्ड डाल चुका हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि ये 3G डोंगल है, तो इसमें जियो सिम जो है काम नहीं करता, इसलिए मैं अपने वोडाफोन मतलब कि भी सिम को डाला है। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो सिम कार्ड है दोनों ही मैंने उसको निकाल दिया है, और इसमें जो है सिम कार्ड मैंने डाल दिया है। तो सिंपली मैं इसको इधर यूज़ करूँगा। अगर आपके पास 4G डोंगल है तो उसमें भी आप यूज़ कर पाएंगे। तो मैं बस एग्जाम्पल के लिए मैं इधर दिखा रहा हूँ, और इसको कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही लग गया आप देख सकते हैं कि मेरा इंटरनेट चालू हो चुका है, और कुछ इस तरह का आपको सिग्नल नज़र आएगा अगर आपके पास Xiaomi का फ़ोन है। तो मतलब कि अभी मैं आप देख सकते हैं कि मेरा कोई भी सिम कार्ड अभी डला हुआ नहीं है, फिर भी मैं इंटरनेट यूज़ कर पा रहा हूँ बस एक डोंगल के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊँगा कोई पेज ओपन करके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी इंटरनेट ऑन नहीं है, सिम कार्ड नहीं है, फिर भी मतलब कि इंटरनेट ऑन है, मेरा डोंगल से मेरा सिम कार्ड डला हुआ है, और आप इधर देख सकते हैं कि आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं बस एक OTG की मदद से। और अगर आपके पास एक डोंगल पड़ा हुआ है पुराने वाला, या फिर आपके पास एक नया वाला 4G है, तो उसमें भी आप बिना सिम कार्ड के फ़ोन में डाले हुए आप बस एक डोंगल से आप अपने स्मार्टफोन में इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। जो जी हाँ फ्रेंड्स, आप माउस को भी अपने स्मार्टफोन में यूज़ कर पाएंगे बस एक OTG की मदद से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी इसको जो है लगा दिया है, और जैसे ही आप देखेंगे लगा दिया कि एक माउस पॉइंटर आ चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप एक माउस पॉइंटर को भी यूज़ कर पाएंगे। आप अपने देखिए स्क्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जी हाँ, क्योंकि स्क्रोल का भी काम करता है और एक क्लिक का भी काम करता है, देखिए कुछ इस तरह से। तो आप एक माउस को भी यूज़ कर पाएंगे आप अपने स्मार्टफोन में OTG की मदद से। तो ये तो रहा वायर्ड वाला माउस। वायरलेस माउस के लिए भी सेम ही काम है, बस आपका जो डोंगल है वायरलेस माउस का वो आपको इधर लगा देना है। जैसे ही लगा देंगे और आपका जो है माउस जो है चालू हो जाएगा, तो आप देख ही सकते हैं कि आप वायरलेस माउस को भी यूज़ कर पाएंगे आप अपने स्मार्टफोन में और एक्सेस कर पाएंगे। तो कितना अच्छा बढ़िया तरीके से वर्क करता है आप देख सकते हैं, ब्राउजिंग भी कर सकते हैं आप, और ये सही से काम भी करता है। देखिए माउस की बात हो रहे हैं और कीबोर्ड की बात ना हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो अगर आपके पास एक कीबोर्ड भी है तो वो भी आप यूज़ कर पाएंगे आप अपने स्मार्टफोन में। देखिए अभी मुझको बस इधर लगा देना है, मैं बैक करता हूँ। तो बैक करा अभी मैं सब्सक्राइब लिखूँगा SUBSCRIBE। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने इधर टाइप किया और उधर एक्चुअली डिस्प्ले हो रहा है। तो आप इस तरह से बैक भी कर सकते हैं और स्पेस भी दे सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं। नाम लॉक अभी ऑन हुआ है, तो नाम लॉक को मैं देखिए कुछ इस तरह से आप नंबर भी लिख सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से आप कीबोर्ड को भी और माउस को भी यूज़ कर सकते हैं एक साथ। बस आपको चाहिएगा एक ऐसा OTG, और आपको चाहिए होगा एक
USB हब, उसके साथ आप जो है माउस और कीबोर्ड को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका स्मार्टफोन रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है तो उसमें OTG लगा के आप दूसरे स्मार्टफोन को भी चार्ज कर पाएंगे। चार्ज इधर नॉर्मल चार्जिंग होता है, फास्ट चार्जिंग नहीं होता, लेकिन आप उस फोन से उस फोन में चार्ज कर पाएंगे, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क भी करता है। आप देख ही सकते हैं कुछ इस प्रकार से चार्ज भी होता है। स्मार्टफोन ही नहीं, कोई दूसरा डिवाइसेस को भी आप चार्ज कर पाएंगे, जैसे कि हेडफोन वगैरह जो है आप चार्ज कर पाएंगे। बस आपको एक केबल चाहिए होगा उस डिवाइसेस का, तो उसके साथ भी आप चार्ज कर पाएंगे आप दूसरे डिवाइस को भी। बस यही नहीं, अगर आपके पास कोई स्मार्ट वॉच है तो उसको भी आप चार्ज कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, बस उसका आपका केबल होना चाहिए, उस केबल को आपको लगा देना है। आपके फ़ोन में रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करना चाहिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, उसके बाद आपको लगा देना है, फिर आप देखेंगे कि आप स्मार्ट वॉच को भी चार्ज कर पाएंगे बस एक OTG की मदद से। तो ये मैं क्या लाया हूँ, एक्चुअली अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं और कंप्यूटर में अगर आपको साउंड चाहिए होता है तो आप इस तरह के स्पीकर जो है आप लगाते हैं, लेकिन ये कोई स्मार्ट स्पीकर नहीं है, इसमें कोई ब्लूटूथ लगा नहीं होता, बस आपको दो पोर्ट दिया जाता है, एक जो ऑडियो जैक का होता है, दूसरा जो है USB का। तो ये वाला प्ले नहीं होता, बस अगर आप इसको लगाते हैं ऑडियो जैक को तो ये प्ले नहीं होता, लेकिन वहाँ पर अगर आप दिमाग लगाए OTG के साथ तो आप इस स्पीकर को भी जो है काम में ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए है काम में लेना तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा किस तरह से, पहला तो आपको बस जो है ऑडियो जैक जो है आपको स्मार्टफोन इस तरह से लगा देना है, उसके बाद आपको जो है मतलब कि उसी केबल का दूसरा वाला जो पोर्ट है आपको OTG के साथ लगा देना है। कुछ इसी प्रकार से आपके पास अगर इस तरह का स्पीकर है कंप्यूटर में लगा हुआ तो आप छोटे मोटे जो है स्पीकर को भी काम में ले सकते हैं अपने OTG के साथ। तो OTG की मदद से आप छोटे मोटे जो USB फैन होता है उसको जला सकते हैं, छोटे मोटे जो LED लाइट होता है वो भी आप इमरजेंसी लाइट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो काम बहुत सारे है, आप किस काम में लेना चाहते हैं वही है, लेकिन कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर आपको इसमें डालना नहीं चाहिए। इस तरह के छोटे मोटे काम आप कीबोर्ड वगैरह, माउस वगैरह, स्पीकर वगैरह बजा सकते हैं और किसी दूसरे फ़ोन को भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार का काम आप अपने OTG की मदद से, अगर आपका स्मार्टफोन सपोर्ट करता है तो इतने सारे काम आप कर सकते हैं बस एक OTG की मदद से। और बात फ्रेंड्स, अगर आपको OTG या फिर कार्ड रीडर वगैरह का कुछ लिंक चाहिए, अमेजोन से आपको बाय करना है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप कार्ड रीडर, OTG सब कुछ का लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन में जाइए, वहाँ पे आपको ये सस्ता पड़ेगा ऑनलाइन से, तो वहाँ पे जाके भी आप बाय कर सकते हैं। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको OTG लेना है तो थोड़ा अच्छे वाला ही लेना, सस्ता मत लेना। तो फ्रेंड्स, आपने देखा बस एक OTG की मदद से आप अपने स्मार्टफोन के साथ बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना, अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फिर फेसबुक पर लगाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देखने को मिल जाएगा।